तू प्रभावित किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज सीएम आवास के निकट धरने पर बैठे हैं। सर, ये क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से समय मांग रहे हैं लेकिन आपको समय नहीं मिल रहा? ये किसानों से पूछे ना, मुद्दा क्या है इनसे पूछिए आप। आप ये बताए, आपको समय क्यों नहीं मिल रहा है? जब जी क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा है? सर, हमारे यहाँ टैम नदी का डैम बन रहा है, लटेरी तहसील ग्राम पंचायत मुंडेला का रहने वाला हूँ मैं, है 900 वोटिंग है, 900 परिवार है, सब पूरे डूब क्षेत्र में चले गए हैं, ना तो हमको मुआवजे मिल रहा, ना पाइपलाइन का पैसा मिल रहा। मुआवजे की लड़ाई है। सर, आप जब 10 साल सीएम रहे थे तो बीजेपी के जितने भी पूर्व सीएम थे वो आपसे समय मांगते, तो क्या आप समय देते थे या इसी तरीके से आप करते थे? मैं तो उनके घर पे जाके जो कहते थे वो पूरा कर देता था, उनको मेरे दफ्तर भी नहीं बुलाता था, उनका सम्मान करता था। यही शिवराज सिंह जी से पूछिए कि जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तब इनको किसने मदद की थी, पूछिए जरा आके। किस साल की घटना है सर ये? घटना है 96-97 की। जी सर, एक बात और, जैसे कि आप लगातार लिख रहे हैं, पत्र दे रहे हैं, लगातार आप मुद्दा उठा रहे हैं ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पे भी, लेकिन आपकी मांग क्यों नहीं सुनी जा रही? आखिर इन किसानों की मांग क्यों नहीं सुनी? क्या कारण है? आप इसको लूट की सरकार कह रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि लूट की सरकार है, दिग्विजय सिंह से पैसा कमा नहीं सकते, ठेकेदारों से पैसा कमाते हैं। तो ये जो ठेकेदारी का पैसा, ये किसके पास जाता है? ऊपर से लेकर नीचे तक, भाजपा के दलालों से लेकर मुख्यमंत्री तो और ऊपर तक, मतलब दिल्ली तक निश्चित तौर पे। मोदी जी भी, मोदी जी के पास जाता है, किसके पास जाता है मैं नहीं जानता, लेकिन उससे ही तो हमारे विधायक खरीदे गए, उनके पास कहां से पैसा है? कोई चेक काट दिया था क्या? मेरे साथ मौजूद है पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी, अब ये अगर आपको समय नहीं दिया जाता है तो आप कब तक बैठे रहेंगे, इस मांग को कब तक उठाएंगे? भाई साहब ने जो कहा है वही हम कह रहे हैं, जो लिखित में नहीं देंगे जब तक नहीं उठेंगे। तो आपको लिखित में दे दिया जाता है फिर मना कर दिया जाता है? भाई साहब निर्णय लेंगे। नहीं दिया था, अच्छा। फोन पे कहा था, टाइम फिक्स हो गया, हमने मान लिया, लोगों को बुला लिया, अब वो कैंसिल कर दिया, अब आज फिर कह रहे हैं कि हमने आपको टाइम दे दिया, क्या पता फिर कैंसिल कर दें। कमलनाथ जी को समय दे दिया, मिल भी लिए काफी आराम से, दो समय नहीं दिया, वो छिंदवाड़ा से आ रहे थे, ये देवास जा रहे थे, तो हेलीपैड पे मिल लिए। आपको समय नहीं मिल पा रहा? देखिए कमलनाथ जी, बात यह है, दिग्विजय सिंह तो प्रतीक है, समस्या तो इन लोगों की जिनके लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। अभी राज्यपाल के पास भी आप लोग गए थे जो नेमावर हत्याकांड था, उन्होंने भी समय नहीं दिया, क्या कारण है? मतलब कांग्रेस के जो जितने भी लोग जाते हैं या जितने भी जो पीड़ित लोग जाते हैं, बीजेपी के जो जितने भी मंत्री हैं मुख्यमंत्री, समय नहीं देते, क्या कारण है? मतलब कि 2023 की चुनाव की तैयारी भी से है क्या? आपसे पूछिए, हम तो चाहते हैं कि इस तरह के ये लोग व्यवहार करते रहें, जनता अपने आप, अब जितने यहाँ लोग बैठे हैं उनमें से क्या सब कांग्रेस ही हैं? क्या इन लोगों ने, सबने भाजपा को वोट नहीं दिया किसी ने? दिग्विजय सिंह लड़ाई लड़ता है जनता की, कांग्रेस बीजेपी नहीं करता। मेरे लिए चुनाव तक कांग्रेस बीजेपी, उसके बाद चुनाव के बाद सब हम सब जनता है, और जनता की लड़ाई मैं मुख्यमंत्री था तब भी लड़ता था, मुख्यमंत्री नहीं हूँ अब भी लड़ूंगा और आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। तो अब कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार आगे बढ़ाएगी, हर मुद्दे को, चाहे बिजली हो, महंगाई हो, इस सभी मुद्दे को ले, मुद्दा हमको लेना है किस कदर। कल सीहोर में मैं था, वसूली में लोग बाग, उनकी पुलिस के लोग मोटरसाइकिल उठा के ले जा रहे हैं, पकड़ के ले जा रहे हैं, 5-5, 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं गरीबों के। कमलनाथ जी के समय 150-200 रुपए में बिल आते थे, किसानों का बिल आधा रह गया था। तो लड़ाई हमारी जनता के लिए है। नई आबकारी नीति पर आप क्या कहेंगे? हर चीज महंगी, पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की टंकी, अनाज और शराब सस्ती कर दी। ये क्या प्रेम है शिवराज सिंह जी का शराब का, और उनका वीडियो देख लीजिए, किसानों को खाद नहीं ला टाइम से, वीडियो देख लीजिए उनका, वे उसका विरोध कर रहे थे कमलनाथ जी के। और बात यह है, अब इनके सुन लीजिए, किसानों के 5 HP के कनेक्शन थे वो डायरेक्ट 7.5 HP में बदल दिए, किसानों से कोई सलाह मशवरा नहीं लिया। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल, आप जब 10 साल सीएम रहे तो आपने कितनी शराब की दुकानें खुलवाई थी और अब कितनी खुल चुकी? हमने तो कहा था कि भाई किसी मोहल्ले में 50% महिलाएं कहें कि दुकान बंद करो तो हम बंद कर देते थे, वो आज भी नीति चल रही है। देखो बात यह है,
पूरी शराबबंदी गुजरात में असफल रही है, बिहार में असफल रही है, क्योंकि वहाँ गुजरात में घर बैठे आप जितनी शराब चाहो मिल जाती है। शिवराज सिंह जी ने नर्मदा किनारे के 5 किलोमीटर तक के शराब के ठेके बंद कर दिए। अब ऐसा हो गया है कि जो शराब आप चाहो, जो जैसी बोतल चाहो, आपको 15 मिनट में होम डिलीवरी हो जाती है। मंडला का पता लगा लीजिए, और मंडला यही नहीं, साथ में मुर्गा खाना कबाब खाना है कि बकरी का कबाब खाना है, वो भी आ जाता है साथ में। नर्मदा की आपने बात छेड़ दी, तो वहाँ पर रेत खनन को लेकर आप लगातार बात उठाते भी रहते हैं, तो ये क्या हुआ? आप बीडी शर्मा के ऊपर भी इसका आप... ये है, पन्ना जिले में मंत्री का कौन की का चुनाव क्षेत्र, खनिज मंत्री का चुनाव क्षेत्र पवई, वहाँ पर इतनी अवैध खनन हुआ है, इतना अवैध खनन हुआ है कि इतने ऊपर ऊंचे गड्ढे, लोगों के बिना पूछे उनके गड्ढे खेत खोद दिए, कोई सुनने वाला नहीं। और ये भी अजीब बात है कि जब खड्डे खुद गए, शिकायत हुई, तो प्रशासन ने किसानों को नोटिस दे दिया 1.5 करोड़ का, 9 करोड़ का, 5 करोड़ का, जबकि बेचारे वो सब कह रहे कि हमारा खेत भी खुद गया और हमको नोटिस तो भी गया। तो इसमें ये पार्टनरशिप है ब्रजेंद्र सिंह जी की और बीडी शर्मा जी की पार्टनरशिप है। होशंगाबाद में भी यही हो रहा है, प्रभारी मंत्री कौन? खनिज मंत्री ब्रजेंद्र सिंह। और मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आप पता लगा लीजिए बीडी शर्मा जी का क्या संबंध है होशंगाबाद से। तो ये जोड़ी है जो रेत खनन में, अवैध रेत खनन में काफ़ी बड़े पैमाने पर वसूली हो रही है, और स्वयं मुख्यमंत्री जी के परिवार के लोग, जिस जैत गांव में एक डंपर नहीं था 2003 तक, वहाँ आज कम से कम 200 डंपर है शिवराज सिंह परिवार के पास। अगर 23 में आपकी सरकार आती है, तो इन सभी की जो चल रही है, जो धांधली और जो अवैध खनन, इन सभी को क्या बंद किया जाएगा कांग्रेस के द्वारा? बात यह है, नर्मदा जी में रेत खनन का ठेका जब हुआ था, तो कमलनाथ जी की सरकार ने कह दिया था कि यहाँ मशीन से खनन नहीं होगा, NGT का निर्णय है, लेकिन खुलेआम मशीनें चल रही हैं। चंबल में भी चल रहा है सर? चंबल में तो अवैधानिक पूरी तरीके से। तो ये थे मेरे साथ पूर्व CM दिग्विजय सिंह।